शोभना अनंत की पत्नी है। उसका रंग एकदम काला है। अनंत ने गाड़ी, बंगला और मोटे दहेज के लालच में अमीर पिता की इकलौती बेटी से शादी तो कर ली, लेकिन अब शोभना का काला रंग उसे चुभने लगा था। अपने ऑफिस की गोरी चिट्टी लड़कियों को देखकर उसका मन ललचाता था। मेरे सभी दोस्त कितने लकी हैं, सबके पास खूबसूरत और चांद जैसी गोरी बीवी है, बस मेरी किस्मत फूटी निकली जो इतनी काली बीवी मिल गई। अरे अकेली अकेली किससे बात कर रहे हो आप? वैसे भी अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। याद है ना, आपकी दोस्त रोहन ने हम दोनों को अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया है। वो इनविटेशन सिर्फ मेरे लिए था, और वैसे भी तुम जैसी बदसूरत काली भैंस को कोई अपनी खुशी में कभी इनवाइट नहीं करेगा, और ना ही मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर अपनी बेइज्जती करवाने का शौक रखता हूँ। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप मुझसे? क्या हो गया है आपको? बोर हो गया हूँ तुम्हारे इस काले बदसूरत चेहरे को देख देख कर। हर कोई मेरा मजाक बनाता है, पीठ पीछे सब यही कहते हैं कि जरूर मुझ में ही कोई कमी रही होगी, इसलिए मैंने तुम जैसी काली कलूटी से शादी कर ली। मेरा काला रंग है, इसमें भला मेरा क्या गलती है? मैंने तो हमेशा आपको और आपके इस परिवार को खुशी देने की कोशिश की है। अरे सब दिखावा है, अगर सच में तुम मेरी खुशी की परवाह करती तो कब का अपना ये काला मनहूस चेहरा लेकर मेरी जिंदगी से निकल गई होती। अनंत अपने मन की भड़ास निकाल कर बैंक चला जाता है। शोभना बेचारी आंसू के घूंट पीकर चुप रह जाती है। उसने बचपन से ही दुनिया की नफरत झेली थी, लेकिन उसका अपना पति भी एक दिन उसके काले रंग को लेकर उसे इतनी नफरत करेगा, शोभना ने ये सपने में भी नहीं सोचा था। हेलो पिताजी। हेलो सोना, कैसी है मेरी बच्ची? बोल, कैसे याद किया आज अपने पापा को? इधर शोभना अपने पिता को अनंत के बदलते व्यवहार के बारे में बताती है। उधर अनंत के बैंक में एक बड़ी ही खूबसूरत दूध जैसी गोरी चिट्टी भूरे बालों वाली अंग्रेजन अपना बचत खाता खोलने आती है, जिसे देखकर अनंत पल के झपकाना तक भूल जाता है और अपनी ललचाई नजरों से उसे घूरते हुए मन ही मन कहता है, बाप रे कितनी खूबसूरत है यह विदेशी आइटम, एकदम परी लग रही है, काश ये मेरी बीवी होती। तब वो लड़की अनंत के पास आकर कहती है, हाय हैंसम, कैन यू हेल्प मी प्लीज? ये याया, याया श्योर, टेल मी प्लीज हाउ कैन आई हेल्प यू? माय नेम इज कैंडी, मेरा हिंदी थोड़ी कमजोर है, इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं फॉर्म कैसे फिलअप करूं। मुझे इस बैंक में एक सेविंग अकाउंट खोलना है। ओह सॉरी कैंडी, अभी तो लंच टाइम स्टार्ट हो गया है, तब तक चलो हम एक साथ कॉफी पी लेते हैं, लंच ओवर होते ही मैं तुम्हारा सेविंग्स अकाउंट खोलने में पूरी मदद करूंगा। हाउ नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू तो मुझे भगवान को बोलना चाहिए जो इतनी खूबसूरत लड़की सीधे मेरे पास भेजती। What? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस कह रहा था कि तुम बहुत खूबसूरत हो, एकदम सूरज की रोशनी की तरह चमकदार। मैंने आज से पहले तुम जैसी इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। कैंडी और अनंत पहली नजर में ही एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। बैंक आने जाने के बहाने दोनों रोज मिलने लगे। I love you, Candy. I love you too, Anand. Candy, मैं और तुमसे दूर नहीं रह सकता। ऐसे छुप छुप कर मिलने से मेरा मन नहीं भरता है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सारी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि तुम जैसी खूबसूरत गोरी चिट्टी लड़की मेरी लाइफ पार्टनर है। कैंडी, विल यू मैरी मी? बट तुम तो मैरिड मैन है, तुम्हारा एक वाइफ है, क्या तुम उसको डिवोर्स दे दोगे? तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उस काली बदसूरत औरत को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। इतना प्यार करती हो तुम मुझसे, तो अपने घर लेकर चलो मुझे, मैं खुद तुम्हारा वाइफ को धक्का मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। As you wish, my fair fairy. अनंत कैंडी को अपने साथ घर ले आता है। आपके साथ ये अंग्रेजन कौन है? करवाओ करवाओ, मेरा इंट्रोडक्शन करवाओ आनंद, अपने ब्लैक वाइफ को मेरे बारे में बताओ। ये कैंडी है, मेरी होने वाली पत्नी। आज से मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ और ना तुम मेरी पत्नी, इसलिए तुम चाहो तो इस घर में नौकरानी बन के रह सकती हो, और चाहो तो अपना बोरिया बिस्तर लेकर जा सकती हो।
अनंत की बातें सुनकर शोभना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पति अनंत एक दिन इतना बड़ा धोखा देगा। शोभना रोते हुए हाथ जोड़कर विनती करती है, लेकिन अनंत पर उसके आंसुओं का कोई असर नहीं होता। अनंत कैंडी को गोद में उठाकर बेडरूम की तरफ बढ़ जाता है। हम दोनों अपने बेडरूम में रेस्ट करने जा रहे हैं, तब तक तो हमारे लिए खाना तैयार कर देना, समझे मेरी काली बदसूरत नौकरानी। धीरे धीरे अनंत और कैंडी ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी, शोभना का जीना मुश्किल कर दिया। दोनों उसके ही सामने बेडरूम में रंगरलिया मनाते, शराब पीते, शॉपिंग करते और शोभना के कुछ कहने पर उसे डंडों से पीटना शुरू करते। हेलो पिताजी। बोल सोना बेटी, तू ठीक है ना? नहीं पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। पहली बार आपने मुझे कहा कि पति पत्नी में ऐसा होता है, लड़कियों को ही चुप रहकर सब सहना होता है, इसीलिए मैं चुप रही, सब सहती रही, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा पिताजी। तभी कैंडी और अनंत वहां आ जाते हैं, शोभना के हाथों से मोबाइल लेकर उसे तोड़ देते हैं। तुम्हारी वाइफ तो बहुत चालाक है, ये अपनी फादर से हमारा शिकायत कर रहा है, इस तरह तो ये हमें जेल भिजवा देगी, तुम्हें इसका कुछ करना पड़ेगा, वरना मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर पाऊंगी। डोंट वरी डार्लिंग, आज मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि अपनी जुबान चलाना भूल जाएगी। अनंत कमर से अपनी बेल्ट निकालकर बेचारी शोभना को पीटना शुरू कर देता है। शोभना हाथ जोड़कर विनती करती है और उन दोनों भेड़ियों से खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है। तभी शोभना के पिता अपने लॉयर के साथ वहां जाते हैं और अपनी बेटी की हालत देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। कमीने, मैंने तुझे अच्छा इंसान समझा और अपनी भूल सी बेटी की शादी तुझसे कर दी, और तूने इसका इतना बुरा हाल कर दिया। ये रहा डिवोर्स का पेपर, मेरी बेटी दहेज में जो भी कुछ लाई थी वो सब मैं वापस लेता हूँ। ये बंगला, ये गाड़ी, तेरी नौकरी, तेरा बैंक बैलेंस, सब कुछ मैंने तुझे दिया, वो सब मैं वापस लेता हूँ। मैं तुझसे अपनी बेटी वापस लेता हूँ। मैं भी देखता हूँ ये कोरी अंग्रेजन कैसे अब तुझ जैसे भिखारी के साथ शादी करती है। चल बेटी, तेरा बाप अभी जिंदा है, तू चिंता मत कर। शोभना अपने पिता के साथ अपने मायके चली जाती है। चलो कैंडी, छुटकारा मिला, आज अब हम दोनों के बीच कोई कांटा नहीं रहा, अब हम दोनों शादी कर सकते हैं। आनंद, क्या तुम अब भिखारी हो गए हो? नो मनी, नो हाउस, नो कार। सॉरी अनंत, मैं तुमसे ऐसी भिखारी से शादी नहीं कर सकती। मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड में क्या बताऊंगी सबको कि मैंने एक भिखारी से शादी की है? ओ नो, अब तुम मेरे लायक नहीं रहे। सॉरी बेबी। नहीं, तुम मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकती। कैंडी, मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही तो किया है, और तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। बताया ना, अब तुम मेरे लायक नहीं रहे। ओके बाय। कैंडी अनंत को छोड़कर चली गई। शोभना के पिता ने भी अनंत से सब कुछ वापस ले लिया। अब अनंत की हालत धोबी के उस गधे जैसी हो गई थी, जो ना घर का रहा ना घाट का। गोरे रंग के लालच में उसने अपना सब कुछ खो दिया। कोकिला अपने तीन गोरे भाइयों की इकलौती बहन है, जिसका रंग उसकी पापा के जैसे काला है, और तीनों भाइयों का रंग अपनी माँ की तरह एकदम दूध जैसा है। पापा अपनी बेटी कोकिला को ज्यादा प्यार करते हैं, माँ अपने गोरे बेटों को ज्यादा प्यार करती है और कोकिला से नफरत करती है। कोकिला पढ़ाई में बहुत होशियार और शांत लड़की है, वहाँ उसके तीनों भाई पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल कमजोर और गलत संगत में पड़े हुए लड़के होते हैं, जो स्कूल के नाम पे मूवी देखने जाते हैं। इन सभी बातों को लेकर आए दिन घर में पति पत्नी में झगड़ा हुआ करते हैं। एक दिन चारों बच्चे स्कूल के लिए तैयार होकर खाने की टेबल पर आते हैं और कोकिला बोलती है, पापा कल हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, जिसमें मैं बिल्कुल आपकी तरह आईपीएस ऑफिसर बनने वाली हूँ। वेरी गुड माय ग्रेट डॉटर, तुम एक दिन मुझसे भी बड़ी और बेहतरीन आईपीएस ऑफिसर बनोगी और मेरा नाम रोशन करोगी।
मैं तो अभी से प्राउड फील करने लगा हूँ। बड़ी आईपीएस ऑफिसर, मतलब आईपीएस किरण वेदी की तरह? हाँ मेरी बच्ची, बिल्कुल उन्हीं की तरह, एकदम ईमानदार, एकदम निडर। बस बस, अब खाना भी खा लो, जब देखो तब इसकी तारीफ की गंगा बहने लगती है। अच्छा, इस कंपटीशन में तुम तीनों क्या बन रहे हो मेरे लाडलो? मैं तो नेता बनूंगा। और मैं डाकू बनूंगा। और मैं बनूंगा बॉलीवुड का सुपरस्टार शाहरुख खान। कोकिला मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगती है। अरे वाह, क्या बात है मेरे गोरे अंग्रेजों, इतना मस्त आइडल चुना है तुम तीनों ने अपने लिए। बिल्कुल अपनी माँ पर गए हो, रंग से भी और दिमाग से भी। तुम मेरे बेटों का मजाक मत उड़ाओ। जिस दिन ये तीनों फर्स्ट प्राइज जीत कर आएंगे, उस दिन खोलना अपना ये बेकार सा मुँह। और तुम्हारी ये काली बेंगन क्या लेकर आती है देखती हूँ मैं भी। बड़ी आईपीएस किरण बेदी बनने वाली, चपरासी बनने जैसी तो सकल है नहीं, बनेगी आईपीएस ऑफिसर। ये कहकर माँ और तीनों बेटे हंसने लगते हैं। कोकिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पापा गुस्से से अपनी पत्नी और बेटों को देखती रहते हैं और कोकिला को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। स्कूल की क्लास में सभी बच्चे टीचर के पास अपने अपने कॉस्ट्यूम के बारे में बताते हैं। टीचर सारे बच्चों का नाम नोट करती है, लेकिन कोकिला की ओर नजर आते ही वो उठकर जाने लगती है। तभी कोकिला की एक बेस्ट फ्रेंड बोलती है, सर आपने कोकिला से कुछ भी नहीं पूछा और उसका नाम भी नहीं लिखा। ये क्या पार्ट लेगी भला, क्या ये काली माता बनेंगी, ये काला बैंगन? सभी बच्चे टीचर की इस बात पर हंसने लगते हैं और कोकिला की आंखें आंसू से भर जाती है। ये देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड टीचर से कहती है, सर आप न्यू आए हैं ना, इसीलिए आपको शायद पता नहीं है कि कोकिला की पापा यहाँ के आईपीएस ऑफिसर है, और अगर उन्हें पता चल गया कि आपने उनकी प्यारी बेटी को रुलाया है तो मुझे डर है कि कहीं आपकी जॉब ना चली जाए। टीचर ये सुनकर डर जाता है और कोकिला का नाम भी लिख लेता है। घर में कोकिला के पापा कोकिला के लिए आईपीएस की ड्रेस खरीद कर लाते हैं और उसकी माँ अपने तीनों बेटे के लिए उनकी पसंद की कॉस्ट्यूम लेकर आती है। अगले दिन चारों बच्चे अपने अपने कॉस्ट्यूम पहनकर पापा मम्मी के सामने आते हैं। कोकिला की पापा भी अपनी प्यारी बेटी को प्यार से टोपी पहनाते हैं और सल्यूट करते हैं। कोकिला भी अपने पापा को सल्यूट करते हैं। लो, हो गया दोनों का नाटक शुरू। अपने तीनों बेटों को काला टीका लगाकर थू थू करते हुए बोलती है, किसी की काली नजर न लगे मेरे सुंदर सुंदर लाडलों को। और फिर सभी फैमिली फोटो जैसे सेल्फी लेते हैं। बड़ा बेटा कोकिला को धक्का देकर बोलता है, ये काली बंदरिया, तू हट जा हमारे बीच से, सारा फोटो खराब हो जाता है तेरी वजह से। हाँ ठीक कहा भैया आपने, इसके साथ वाली फोटो ना तो इंस्टाग्राम में अपलोड करने लायक होती है और ना फेसबुक व्हाट्सएप के स्टेटस में शेयर करने लायक होती है। बकवास बंद करो तुम तीनों, तुम्हारी बहन है वो और तुम उससे ऐसे बात कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम तीनों को। क्यों शर्म आनी चाहिए मेरे बेटों को, और क्या गलत बोला है इन्होंने, सच करवा ही होता है, तुम ना सुन सकते हो तो अपने कान बंद कर लो, सच तो सच ही रहेगी ना। कोकिला ये सुनकर रोती हुई जाकर अपने पापा की कार में बैठ जाती है, पर किसी को कुछ भी नहीं कहती है। पापा को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो भी अपनी मॉर्निंग खराब नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए चुपचाप चले जाते हैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने। स्कूल प्रोग्राम शुरू होता है। स्कूल के बच्चे स्टेज पर डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम पहनकर आते हैं और अपने बारे में बताते हैं। कोकिला की बड़े भाई की बारी आती है, वो एक चीफ मिनिस्टर के कॉस्ट्यूम में आता है और बोलता है, मैं हूँ आपका होने वाला गोरा खूबसूरत नेता,
अगर आप सभी लोग मुझे अपना फालतू का वोट देकर जिताएंगे तो मैं आपके खेत में मार्बल का फर्श बनवा दूंगा और एक ऐसी मशीन बनवाऊंगा जिसमें एक तरफ से आलू डालेंगे और दूसरे तरफ से सोना निकलेगा। नीचे बैठे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन उसकी पापा को बिल्कुल भी हंसी नहीं आती है। दूसरा बेटा एक डाकू बनकर आता है और सबको बंदूक दिखाकर बोलता है, दूर गांव में जब कोई बच्चा रात को रोता है तो उसकी माँ उससे कहती है, सो जा मेरे बच्चे, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। मैं हूँ गब्बर, गब्बर सिंह डाकू, सब कुछ लूट लेता हूँ दिखाकर चाकू। फिर से सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब बारी आती है छोटे बेटे की, जो बॉलीवुड हीरो शाहरुख की तरह बनकर आता है और हाथ में एक गुलाब का फूल लेकर बोलता है, कोई भी सिर्फ एक अंगूठी पहनाकर तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी हो सिमरन। सभी नीचे बैठे लोग ताली बजाते हैं और हंसते हैं। अब बारी आती है कोकिला की। स्टेज पर लाइट ऑफ हो जाती है, बस एक हल्की सी रोशनी आती है जिसमें से आवाज आता है, मैं सतयुग में अपने भक्तों को बचाने के लिए काली का रूप धारण किया और सभी दुष्टों का नाश किया, अपने काले रंग के कारण काली माता कहलाया। समय बीता, पापियों ने फिर से जन्म लिया, मेरे भक्तों ने मुझे याद किया और मैं कलयुग में एक आईपीएस बनकर आई, सारे पापियों का नाश किया और अपनी बहादुरी, मेहनत और हिम्मत से आईपीएस किरण बेदी कहलाई। स्टेज पर पूरी रोशनी हो जाती है और सामने कोकिला आईपीएस की ड्रेस में होती है, जिसकी एक हाथ में रिवॉल्वर होती है और दूसरे हाथ में तलवार पकड़ी हुई होती है और स्टेज पर सामने देखकर बोलती है, मैं एक बहादुर लड़की हूँ जो समय आने पर काली माता भी बन सकती हूँ और बहादुर आईपीएस किरण बेदी भी। स्टेज पर जोर जोर से तालियां बरसने लगती है। कोकिला के पापा और मम्मी खड़े हो जाते हैं, ताली बजाते हैं। फर्स्ट प्राइज कोकिला को ही मिलता है, लेकिन आज हर कोई कोकिला से खुश होता है और उसके काले रंग से नहीं, बल्कि उसकी महान सोच और अच्छी बातों के लिए उसे देखकर प्राउड फील करते हैं। उसके तीनों भाई उसके साथ स्टेज पर खड़े होते हैं, सेल्फी लेते हैं, उसके रंग से भेदभाव नहीं करते हैं। उसकी टीचर भी आज उसके साथ सेल्फी लेते हैं और उसे सॉरी बोलते हैं। कोकिला बोलती है, सर आप सॉरी मत बोलिए, ये आइडिया तो मैंने आपसे ही लिया है, वरना इतना अच्छा इतना बड़ा सोच मेरे इतनी सी दिमाग में कहां से आता। और दोनों मुस्कुराती हुई सेल्फी लेने लगते हैं।